पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सचिव आदरणीय श्री अय्यर साहब, आदरणीय नरोना जी, आदरणीय अक्षय राव जी और उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, आप सबके ध्यान में है 2 अक्टूबर 2014 प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता के लिए आह्वान के बाद से यह अभियान पूरे देश में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री अक्षय रावत, ओएसडी ऑफ द मिनिस्ट्री, माय हार्टी वेलकम टू ऑल द सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द मिनिस्ट्री एंड ऑल दोज हु आर इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस ऑडियो विजुअल। स्वच्छ भारत मिशन या क्लीन इंडिया मिशन, ये सिर्फ नाम का एक सरकारी कार्यक्रम हो सकता है या फिर कोई नारा, पर ये शुरुआत है परिवर्तन की, ये मुहिम है लोगों की। ऐसा हो सका क्योंकि लोगों का संदेश पहुंच रहा है प्रबल और स्पष्ट। नवीन संचार माध्यमों ने लोगों को एक दिशा में एकत्र किया, उन्हें बताया और समझाया। जब कोई पंचायत या गांव खुले में शौच मुक्त होता है तो उसके उपलक्ष्य में गौरव यात्रा निकाली जाती है। हमने भी पास के गांव में गौरव यात्रा देखी और हमने भी टन ले लिया, हम जल्दी से जल्दी गौरव यात्रा निकाली। बस 3 महीने में हमारे गांव में हर घर में शौचालय बन गए, इसीलिए हम भी आज गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। शौचालयों का निर्माण प्रमाण है कि लक्ष्य करीब है। यह अभियान किसी खास काम से नहीं बल्कि हर व्यक्ति से जुड़ा है। अगर आज देश के कोने कोने में शौचालय दिखने लगे हैं और गंदगी गायब होने लगी है तो वो सिर्फ इसलिए कि रात में कथा को सुशीला कंवर और उदयपुर जिले को रोहित गुप्ता। ये एक दिन के समय बड़े साहब हमारे गांव का पानी पीवा रात में बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि जब तक था सब लोग खुला में सोचो को बंद नहीं करेगा जब तक मैं आगरा गांव का पानी नहीं पीऊंगा। जो आपकी नाली का पानी दिख रहा था, नाली का पानी खराब हो रहा है। अंतिम भी दिया है इसमें टॉपिंग से रिलेटेड फॉर स्टॉपिंग ओपन डेफिकेशन एज और प्रैक्टिस आउट ऑफ स्टॉक, समथिंग ड्रास्टिक नीड्स टू बी डन टू शेक अप द होल सिस्टम, टू शेक अप द होल कम्युनिटी। मेहमाना ने मां भगवान इधर माना घड़ी वालों माने बहुत ही बुरा लगा। एक दिन छुट्टी से तपन जी उठी और बोली कि मेरे गांव में पूरे गांव में जटा तक साफ सफाई नहीं रहेगा, जटा तक मैं किसी से नहीं लेगी। हमारे सरपंच खाली थे नहीं बल्कि घर घर में जाके लोगों को समझाया, लोगों की पुरानी आदत बदलने के लिए नए अंदाज से ये बात उन तक पहुँचाएंगे। हमारे पंचायत में मदन नाथ ने कसम खाई थी, हमारे हर घर में
पूछे तो उनकी थी पर इज्जत तो हमारे पूरे बस्ती की थी। आज कई जगहें खुले में शौच से मुक्त हो चुकी हैं, जो रह गई हैं वो जल्द ही हो जाएंगी और सब कूड़े को कम करने और दोबारा उपयोग में लाने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। पर इस सब के पीछे कुछ है तो बस एक सोच और कुछ मजबूत इरादे रखने वाले व्यक्ति। हाँ, रुकावटें हैं कुछ लोगों के दिमाग में और कुछ बार, पर ये बाधाएं अब पार होने लगी हैं क्योंकि सब इनका मिलकर सामना कर।